Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, and today we are going to study internal structure of root of the plant Tinospora. It is the part of B.Sc. second year Botany practicals. So B.Sc. second year ke Botany ke practical exercises mein hum anatomy ke kuch practical exercises ki charcha kar rahe hain aur abhi tak humne कुछ प्लांट के स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है और आज इस वीडियो में हम रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ हम पहला प्लांट जो रूट का ले रहे हैं वो है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। तो ये जो टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है वर्तमान में तो आप इसका नाम काफ़ी सुन चुके होंगे। इसे गिलोय के नाम से, जिसे जनरली नीम गिलोय कहते हैं या गुड़ची कहते हैं इसके नाम से जानते हैं, अमृता भी इसको कहते हैं, अमृत बेल के नाम से जानते हैं और इवन चक्र लक्षणिका भी कहते हैं, क्योंकि जब आप इसके स्टेम का सेक्शन काटते हैं तो आपको उसमें एक चक्र की जैसी, एक सर्कल की जैसी स्ट्रक्चर दिखती है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्लांट है और कोविड के दौरान तो गिलोय का प्रयोग बहुत अधिक किया गया था, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्लांट है ये। इसकी कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये मैनीस्पर्मेसी फैमिली का पौधा है और बेल के रूप में ये पौधा चढ़ता है किसी भी पौधे के सहारे। इसके लीव्स जो होती हैं हार्ट शेप्ड होती हैं और इसीलिए इसको, इसकी स्पीशीज़ का नाम कॉर्डिफोलिया पड़ा। तो बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की हार्ट शेप्ड लीव्स आपको दिखती हैं और जब ये लीव्स गिर जाती हैं तब इसकी फ्रूटिंग स्टेज है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके के रेड कलर के फ्रूट्स इसके अंदर नज़र आते हैं और इसकी रूट्स जो होती हैं वो भी एरियल रूट्स ही होती हैं, हवा में लटकती हुई होती हैं। तो हम उसी एरियल रूट्स का ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें क्या इंटरनल स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। तो जनरली जो द्विबीजपत्री पौधों की रूट्स होती हैं उसके अंदर और इस द्विबीजपत्री पौधे के रूट्स में क्या कोई अंतर दिख रहा है, क्या कोई अबनॉर्मल स्ट्रक्चर मिल रही है, तो वो हम देखते हैं। सो लेट्स स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टीनोस्पोरा रूट। तो ये इसकी रूट का जो एक आउटलाइन डायग्राम बनाया गया है यहाँ पे, और इस आउटलाइन डायग्राम में आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी वेवी इसकी स्ट्रक्चर दिख रही है और इसमें आपको कुछ लेयर्स दिख रही हैं, कॉर्क की, सेकेंडरी कॉर्टेक्स की, देन उसके बाद फ्लोएम कैम्बियम की लेयर दिख रही है, सेकेंडरी जाइलम्स दिख रहे हैं और प्राइमरी जाइलम पिथ भी दिख रहा है, पर इसमें बड़े बड़े आपको वेसल्स दिख रही हैं। तो एक तो इसके अंदर छोटी छोटी वेसल्स और साथ में मेडुलरी रेज भी काफ़ी बड़ी हैं और इसके आधार पे हम इसको पहचानते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पेरिडम इसके अंदर लेयर। पेरिडम तो आप जानते ही हैं सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान डेवलप होती है, जिसमें कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को शामिल किया जाता है। और इसके अलावा एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल की क्या स्टेज है वो भी हम देखेंगे, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इसमें कैसा है और पिथ इसके अंदर कैसा है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इस रूट में पेरिडम तो वही कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का बना हुआ है। कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो तो पेरिसाइकिल से ओरिजिनेट होता है, तो एक ये इसके अंदर खासियत है। और कॉर्क की जो सेल्स वो बाहर की तरफ बनाता है वो सेल्स रेक्टेंगुलर होती हैं और उनके ऊपर सोबेरिन का डिपोजिशन होता है, इस वजह से वो सेल्स डेड हो जाती हैं और दे वेरी इन देयर डेप्थ। देन उसके बाद जो कॉर्क कैम्बियम है वो अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है, द्वितीयक वल्कुट। तो ये जो द्वितीयक वल्कुट की कोशिकाएं होती हैं वो पतली भित्ति की होती हैं जिसमें कई सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होते हैं। और इसके साथ जो खासियत है कि द्वितीयक वल्कुट में जो कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, क्लोरोप्लास्ट का मिलना इसके एरियल रूट होने के नेचर को प्रदर्शित करता है। तो ये मुख्यतः पेरिडम की इसके अंदर स्ट्रक्चर्स दिखेगी। देन इसके बाद हम इसके जो प्राइमरी कॉर्टेक्स है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें तो हम पाएंगे कि इसमें भी ये कॉर्टेक्स की कोशिकाएं, वल्कुट की कोशिकाएं मृदु ऊतक की बनी हुई होती हैं जो पतली भित्ति के होते हैं और उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस, अंतरकोशिक अवकाश भी उन कोशिकाओं के बीच में दिखते हैं। और यूजुअली ये कॉर्टेक्स की कोशिकाएँ जो हैं पेरिडम के बन जाने के बाद खत्म हो जाती हैं, पील ऑफ हो जाती हैं। और इसके अलावा एंडोडर्मिस जो है वो वैसे तो वेल डिमार्केटेड एक सिंगल लेयर होती है और जिसकी टेंजेंशियल और रेडिएट टेंजेंशियल वॉल्स जो होती हैं उसके ऊपर कैस्पेरिन पट्टियाँ, कैस्पेरिन थिकनिंग्स भी दिखती हैं। परंतु जब पेरिडम का आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाता है तो एंडोडर्मिस भी स्लोड ऑफ हो जाती है और इसलिए जो ओल्ड रूट का अगर आप सेक्शन काटेंगे तो उसमें एंडोडर्मिस के लेयर्स आपको नहीं दिखेंगी। देन पेरिसाइकिल के लेयर की बात करें तो ये एंडोडर्मिस के जस्ट बाद में मिलती है और एक कंप्लीट रिंग बनाती है, बैरल शेप्ड सेल्स की बनी हुई होती है और यही वो स्थान है जहाँ पे कॉर्क कैम्बियम का ओरिजिन होता है, ताकि जिससे पेरिडम का निर्माण हो सके।
देन उसके बाद हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की इसकी स्टडी करें तो इसके वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में भी इसके वेस्कुलर बंडल्स तो रेडियल होते हैं जो कि रूट्स के रेडियल बंडल होते ही हैं. जैसे आपने टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल में पढ़ा था कि रूट्स में रेडियल बंडल होते हैं जिसका मतलब है अरी या त्रिज्या, जिसका मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही अलग अलग त्रिज्या के ऊपर मिलते हैं. और दूसरा, रेडियल बंडल होने के साथ ही इसके अंदर बंडल जो होते हैं वो एक्सार्क प्रकार के होते हैं, अर्थात जिसमें बाह्य आदिद्यारूप कंडीशन होती है, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है. ये बिल्कुल स्टेम के विपरीत प्रकार की आप कंडीशन इसमें देखते हैं. तो रेडियल बंडल का मिलना और एग्जैक्ट कंडीशन का मिलना वो तो नॉर्मल जो डाइकोट रूट्स के अंदर मिलता है वैसा ही इसके अंदर भी मिल रहा है. और चार ग्रुप इसमें जाइलम के मिलते हैं, इसको टेट्रार्क, यूजली टेट्रार्क कंडीशन इसके अंदर मिलती है. और इसमें प्राइमरी फ्लोएम जो होता है वो तो ग्रुप्स में आपको देखने को मिलेगा, और वे ग्रुप्स जो हैं प्राइमरी जाइलम के ग्रुप्स के पास ऑल्टरनेट करते हुए दिखते हैं, और फ्लोएम के ग्रुप्स यूजली क्रश्ड हो जाते हैं. और सेकेंडरी फ्लोएम के जो ग्रुप होते हैं वे प्राइमरी फ्लोएम के जस्ट नीचे की तरफ मिलते हैं और काफ़ी मैसिव होते हैं. और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स भी होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, और फ्लोएम का पेरेनकाइमा जो है, फ्लोएम पेरेनकाइमा फ्लोएम रद्दूतक भी उसमें उपस्थित होता है. और कैम्बियम यूजली एक वेवी रिंग, लहरदार रिंग बनाता है जो या तो सिंगल लेयर या मल्टी स्टेटोस भी हो सकता है. देन उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी जाइलम की. जो द्वितीयक वृद्धि के बाद में जो जाइलम बनता है वो कैम्बियम के नीचे की तरफ बनता है, और वो क्या है कि कई छोटे और बड़े रीजन्स बना देता है, और उसमें बीच बीच में बड़ी वाइड मेड्यूलरी रेज, चौड़ी चौड़ी मेड्यूलरी रेज उसमें मिलती हैं, और ये मेड्यूलरी रेज जो है उसको डिवाइड कर रही हैं. और वेसल्स जो हैं, वाहिकाएं, जाइलम आपको पता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो जाइलम के अंदर इसके अंदर वाहिकाएं भी मिलती हैं. तो वाहिकाएं बड़ी कॉन्स्पिक्यूस एकदम स्पष्ट बड़ी बड़ी डायमीटर की आपको अलग से देखने को मिलती हैं, और जाइलम में वाहिकाएं, वाहिनिकाएं और जाइलम पेरेनकाइमा उपस्थित होता है. और जो प्राइमरी जाइलम के ग्रुप्स होते हैं दे आर लोकेटेड क्लोज टू द सेंटर ऑफ द एक्सिस, और वो जो हमने देखा कि एग्जैक्ट कंडीशन वो इसमें भी मिलती है, नॉर्मल कंडीशन है जो रूट्स में मिलती है वो इसमें अवेलेबल होती है. सेंटर ऑफ द एक्सिस में एक छोटा सा पिथ इसमें मिलेगा, इल डेवलप्ड है, इतना ज़्यादा उपस्थित नहीं है, परंतु वो थिक वॉल्ड और लिग्निफाइड सेल्स का दिखता है. अगर हम टीनोस्पोरा के रूट के सेलुलर डायग्राम को देखें तो आप देखेंगे बाहर की ओर कॉर्क दिख रहा है, देन कॉर्टेक्स दिख रहा है आपको, प्राइमरी फ्लोएम की कोशिकाएं दिख रही हैं, सेकेंडरी फ्लोएम काफ़ी अधिक मात्रा में है, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम के बीच में कैम्बियम दिख रहा है, कैम्बियम मल्टी स्टेटोस इसमें दिख रहा है आपको. और इसमें ये जो जाइलम है वो जाइलम में इसके बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी वेसल्स आपको दिख रही हैं, वाहिकाएं दिख रही हैं, और इन दो जाइलम के जो पूल्स है उसके बीच में चौड़ी मेड्यूलरी रेज भी नजर आ रही हैं. देन सेंटर में बहुत ही इल डेवलप्ड पिथ दिख रहा है जो कि लिग्निफाइड सेल्स का बना हुआ है, और प्राइमरी जाइलम कुछ ग्रुप्स में नीचे की तरफ सेंटर के पास में मौजूद दिख रहा है. तो इस प्रकार से टीनोस्पोरा के रूट्स का ये सेलुलर डायग्राम है जिसमें यूजुअली टेट्रैक कंडीशन होती है. जैसे यहाँ आपको फिर पांच बंडल्स यहाँ पे फिर भी नजर आ रहे हैं, और इसके जो स्पेशल फीचर जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि इसके अंदर सेकेंडरी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर मिलती है. सेकेंडरी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर के रूप में इसमें वाइड मेड्यूलरी रेज मिलती हैं, चौड़ी मज्जा रश्मियाँ, और ये चौड़ी मज्जा रश्मियाँ मल्टी सीरियट होती हैं और एक से अधिक पंक्तियों में होती हैं, मृदुतक की बनी हुई होती हैं, चौड़ी होती हैं और जाइलम फ्लोएम के बीच में रन करती हैं, और सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करने का काम भी कर रही हैं. तो ये इसकी एक खासियत है. और जीरोफिटिक कैरेक्टर है कि इसके अंदर जो क्लोरेनकाइमा मिलता है वो क्लोरेनकाइमा यानी क्लोरोप्लास्ट का मिलना कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में यूजली वो इसकी रूट की एरियल नेचर को प्रदर्शित करता है. तो इसके साथ इसमें जीरोफिटिक कैरेक्टर्स भी मिलते हैं. तो ये जो नीम गिलोय, जिसके नाम से नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय, या गिलोय के नाम से जो फेमस प्लांट है टीनोस्पोरा, इसकी रूट के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर सेकेंडरी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर मिल रही है, वाइड मेड्यूलरी रेस मिल रही हैं, जिसकी सहायता से इसको आप पहचान सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.